विश्व को शांति का उपदेश देने वाले महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, भारत के नवजागरण के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले जी को नमन करते हुए, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी को नमन करते हुए, विश्व ज्ञान के प्रतीक सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वंदना करते हुए, हमारी पूरी परंपरा सिद्धो नाथों की परंपरा जिन्होंने भारत के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन सभी को मैं सादर नमन करती हूँ। यहाँ पर बैठे हुए तमाम मेरे बुजुर्ग मंचासीन साथी, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी दी अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी का, जिन्होंने आप सबके बीच आकर से बात करने का मौका दिया। आदरणीय जितेंद्र कुमार एसडीएम जी अभी हमारे बीच में नहीं पहुँचे, पवन कुमार जी, संत प्रकाश कटारिया जी और सुंदर सिंह जिनको जिनके प्रवक्ता जिनके वक्तव्य का अभी आपने सुना, सभी साथी, मैं सबसे पहले एक छोटी सी शिकायत करना चाहती हूँ। वो इसलिए कि आज हम भारत का संविधान दिवस के समारोह के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले आप सबको बहुत 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 बधाई भारत के संविधान के दिवस। दूसरी चीज मैं ये आप लोगों को साझा करते हूँ, क्योंकि आप सब मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और अभी धर्मपाल जी ने भी आपके बीच में बहुत विस्तार से बात की थी, और हमारे जो संचालन महोदय हैं इन्होंने भी, और सबसे बड़ी बात जिन्होंने एक रागनियों के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संदेश को जिस तरीके से रागनियों में पिरोया, मुझे लगता है सारांश है बाबा साहब का। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि आज मैंने राजनीतिक समानता दलितों बहुजनों को दी है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा खतरा होगा आने वाले भविष्य में, वो होगा सामाजिक समानता का, आर्थिक गैर बराबरी का। सामाजिक समानता पर बातचीत करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इतने वर्षों के बाद भी समय की कद्र नहीं करना सीख पाए। एक व्यक्ति विशेष, हालांकि मैं समझ सकती हूँ प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ हैं, और मुझे इसमें बताने में आप सबको कोई संकोच नहीं है कि जो समय पर पहुँच चुके हैं, या फिर जितने साथी या मेरी खासकर बहनें महिलाएं जो घर के काम को छोड़कर आपके बीच में बैठी हैं, वो इसके लिए सिर्फ इंतजार करने में लगी हुई हैं सुबह से कि कार्यक्रम कब शुरू हो, कब वो सुने और कब शाम का जाकर खाना बनाए। ये मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं कि हम सब जानते हैं कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी है, घर जाके उनको खाना बनाना है। भाई आप लोगों को नहीं बनाना, आप तो आराम से बैठेंगे जाके, आधे यहाँ बैठेंगे, आधे बाहर जाके चर्चा करेंगे प्रोग्राम की, आधे चौपाल में जाके बैठेंगे, आधे खाट पे बैठ के कहेंगे कि चाय लेके आइए शाम की, या फिर खाना बनाकर लेके आइए। ये कौन सी सामाजिक जिम्मेदारी है आपकी? मैं एकदम बिल्कुल, मुझे इस चीज में कोई कहने में गुरेज नहीं कि समय की कोई सीमा होनी चाहिए। समय की कद्र अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी सामाजिक गैर बराबरी, ये हम खुद जिम्मेदार होंगे उसके लिए, कोई और नहीं होगा उसके लिए जिम्मेदार। मैं बिल्कुल एकदम कतई, मुझे हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लगे तो लगता रहे, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर बुरा भी लगता है, लेकिन समय की कदर करना सीखी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप सामाजिक जिम्मेदारी की बात करते हैं तो सबसे पहले उत्तरदायित्व आपका अपनी ओर से होता है कि आप अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभा रहे हैं। और आज हम भारत के संविधान दिवस के ऊपर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ना कि किसी का व्यक्ति विशेष का चेहरा देखने के लिए। अगर आप माफ कीजिएगा मुझे, अगर आप व्यक्ति विशेष का चेहरा देखने के लिए यहाँ सारे अपना काम छोड़कर बैठे हैं, तो मुझे इसमें कहने में भी गुरेज नहीं है कि बेहतर है इससे अच्छा जाके आप संविधान को पढ़िए, जाके पढ़िए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वॉल्यूम को, जहाँ उन्होंने न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अभिव्यक्ति सब कुछ अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति ने दिन रात लगाया है, और हम उनकी इतनी सी भी बात को नहीं सुन पाए कि हम कम से कम समय की ही कदर करना सीखें। हालांकि मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और प्रोफेशन में भी हूँ, मैं ये मानती हूँ कि जिम्मेदारियाँ हैं, इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि हरियाणा की जो आज की स्थिति है, कम से कम आज की 3 दिन से लगातार मीडिया पर दिखाई जा रही है, लगातार बताया जा रहा है कि ये स्थिति 26 तारीख को होने जा रही है, मैं मानती हूँ ये। इसके बावजूद भी मैं ये सवाल उठा रही हूँ और शिद्दत से ये महसूस करती हूँ कि हमें इन प्रतिमानों को बदलना चाहिए।
जब तक हम ऐसे प्रतिमानों को नहीं बदलेंगे, मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे। सामाजिक न्याय का सवाल आप अपने आप से शुरू करिए, और ये तभी शुरू होगा जब आप हर एक चीज को इस तरीके से देखिए। आप इंतजार करिए, आप इज्जत भी करिए। मैं ये नहीं करी कि एक प्रशासनिक सिस्टम में आने के बाद आप दूसरे का अधिकार या दूसरे का सम्मान या दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा ना करें। बिल्कुल करना चाहिए, हम भी करते हैं। हम भी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एमएचआरडी मिनिस्टर है या कोई भी बाहर का व्यक्ति प्रेस्टीज पोजीशन वाला है, हम भी इंतजार करते हैं। लेकिन इंतजार करने की भी एक सीमा होनी चाहिए। इसको अभी तक हम फॉलो नहीं कर पाए। इसकी मतलब ये हुआ कि जो पहले आए उनकी ये गलती है कि उनको समय पर नहीं आना चाहिए था, या फिर बड़ा आदमी उसी को कहा जाता जो आराम से आए ताकि लोग इंतजार करें। और मुझे महिलाओं की जब भागीदारी हो वहाँ इंतजार करवाना कतई पसंद नहीं। इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आप जाके आराम से घर पे बैठेंगे, महिलाएं काम करें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सुना है, जाना है, समझा नहीं है। जिस दिन आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समझना शुरू करेंगे, उस दिन आप इन औपचारिकता को भूल जाएंगे। और ये वही उपचारिक आप आजकल शादियां आजकल शादियों का बहुत सीजन है। जब शादियां होती है तो जब वरमाला डालता है लड़का लड़की के गले में या लड़की लड़के के गले में डालता है, वो फोटोग्राफर फोटो लेना बाई चांस भूल जाए तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा डलवा देता है। और वैसे वैदिक परंपरा के अनुसार दोबारा डालना अशुभ माना जाता है, गलत है ये देखा जाए तो। तो आप जब कर चुके हैं, आप सिर्फ इतने मतलब एक क्या आप सामाजिक जिम्मेदारियों को निर्वाह करेंगे अगर आप इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते। दूसरी चीज, अभी हमारे बीच में प्रोफेसर रमेश जी हैं और अदिति महाविद्यालय की प्रोफेसर भी हैं। हमारा यहाँ इतना बड़ा वर्ग जो खासकर क्रीम है सोसाइटी की, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, बहुत सारे मुद्दों से परिचित है। और मैंने अपनी बातचीत के शुरू में ही इन सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया था कि हमने अपनी रागनियों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से और यहाँ अपने आप में एकत्र होना ये एक बहुत बड़ा, मैं तो कम से कम अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट है सत्यवान भाटिया जी को बहुत धन्यवाद की देती हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ कि इन्होंने इस गैदरिंग को हमारे बीच में किया। कम से कम हम इस डिस्कशन पे इकट्ठे हुए, भले ही सहमति असहमति हो सकती है, असहमतियाँ होनी भी चाहिए, अगर असहमतियाँ नहीं होंगी तो वो ठहरे हुए पानी की तरह। दूसरी बात, एक छोटी सी मैं एक बात अब मेरी महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ, हरियाणवी में कहती हूँ। एक बार नई नई लड़की की शादी हुई और वो शादी करके ससुराल आई। हम सबको पता है हमारे घरों की स्थितियाँ कैसे रही हैं। आज अलग बात है कि हम गाड़ियों में हैं, बंगलों में हैं, इतने बड़े बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भवन में बैठे हुए हैं, लेकिन ये समय ना ही हमारा कभी था और ना हमारे बुजुर्गों का था। हमने रोटी पानी और चाय के साथ भी खा कर देखी है और अब हम सत पकवान के साथ भी खा कर देखते हैं। देखिए, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जो आज भी वही है, जो पहले था आज भी वही है। हम बहुत कम लोग हैं जो इस स्तर तक आ चुके हैं। आज भी जीती जिंदगी गटर के पास है। दिल्ली की जितनी भी कॉलोनियों के पास अगर आप चले जाएं, उनकी जिंदगी वही है। उनको संविधान से कोई ज़्यादा सा मतलब नहीं है। उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम तो सुना है, ये मैं बिल्कुल एकदम भारत देश के प्रधानमंत्री को इसका क्रेडिट जरूर देती हूँ कि उन्होंने कम से कम संविधान शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से और हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारियों के क्षेत्र हैं उन सब में बाबा साहब अंबेडकर का नाम पहुँचा दिया कहीं ना कहीं। वो भले ही उसका मकसद जो भी रहा हो, मैं उस मकसद पर बात नहीं करती, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि नाम अब सुनाई देता है, गले गले कुंचे में आज बाबा साहब का नाम सुनाई देता है। और ये बाबा साहब ने खुद भी कहा था कि 21वीं सदी मेरे अपने दलित बहुजनों की होगी। मैं ये कहना चाहती थी कि वो गटर में जो जिंदगी है वो आज भी उसी तरीके से बसर करती है। उसी तबके से आई हुई मैं उस महिला की तरफ इशारा कर रही हूँ। हमारी बहन की एक शादी होती है, घर में ससुराल में जाती है तो ससुराल की स्थिति भी ऐसी होती है कमजोर, और बहुत सारे सपने लेकर आई होती है कि कम से कम थोड़े से दिनों तक खाना तो अच्छा मिलेगा ही, और होता ही है। पहले हमारे यहाँ तो, मैं कैथल जिले से हूँ, हमारे यहाँ तो बांध दिया करते थे और बांध देने से 7-8 दिन का गुजारा अच्छा खासा हो जाता था। और उसमें देसी घी भी देते थे और हलवा भी बना के देते थे, पूरियाँ भी बना के देते थे, तो अच्छे खास 7-8 दिन अच्छे खासे बीत जाते थे। आजकल ये परंपरा शायद कम होती जा रही है, मेरे यहाँ अभी भी कहीं ना कहीं है। तो
वो भी मान के चल रही थी कि उसको भी कुछ खाने के लिए मिलेगा, और जैसे नई बहू आती है तो हम अपने घरों में परिवार में उस बहू की, नई नई बहू की रोटी भी करते होते हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि अच्छा लगता है एक सम्मान के रूप में। तो ऐसे ही एक महिला, बहुत सारे लड़की बहुत सारे सपने लेकर आती है, लेकिन उसके आस पड़ोस का जो माहौल है वो मैंने अभी बताया ना, गटर के समीप बीतने वाला था, ऐसा कुछ खाने के लिए नहीं हुआ। खैर एक दिन क्या हुआ कि वो जो उसका ससुर था ना, उसको माता की जात देनी थी, और उसने माता की जात देने खातिर मुर्गा बनाने के लिए बोल दिया, मुर्गा छुपाने खातिर। तो उन्हें अपने बहुत आके कहा, बेटा इन्हें बढ़िया सा बना ले, अब जब स्वाद आ जाए भगता ने भी और समैया ने भी। तो अब बहू के पास आया, उसको भी बड़ा अच्छा लगा, इसी बहाने से ही पेट में तो जाएगा, आखिर जाएगा तो अपने बच्चों के पास ही। तो उसने बड़े अच्छे से चाव से बनाया, अच्छी तरह पका के मसाला मसूला डाल के अच्छा सा बना लिया, अच्छा सा स्वाद, खुशबू जैसे पतीली में झांक के देखती हैं हमारी महिलाएं, हम भी जब खाना बनाते हैं एक बार जरूर झांकती हैं। तो उसने झांक के देखा, बड़ा स्वाद सा लगा, उसने सोचा चल थोड़ा सा चख के देख, कहीं नून मिर्च कम ना हो, उसने थोड़ा सा चम्मच के लिए थैली पर रखा, थोड़ा सा चाट लिया, उन्हें बड़ा अच्छा लग गया। उसने सोचा चल इसमें तो एक पीस और निकाल के देख ले, उसने अपने चम्मच में पतीली में लिया पीस, खा गई, रहा नहीं गया, काफ़ी दिनों बाद खाना मिला था, वैसे ही नहीं मिल रहा था कुछ। तो उसने क्या करा, वो धीरे धीरे कर कर के कर कर के मुर्गा हो गई, कितना इतना सा तो है ही था, अपने चट कर गई पतीले में पानी पानी बचा। अब जब पतीले में पानी पानी बचा तो उसको तो देख होश गुम हो गई, भाई अब ये तो अपन पता ही है ना, जब धोख मारनी हो तो तरी की तो मारी नहीं जाती, वो तो उसकी मारी जाएगी पीस की। तो अब वो कर रहे कि फंस गई, सोचते नहीं काफ़ी देर तक करूँगे। खैर उसने देखा अड़ोस पड़ोस के अपने यहाँ जैसी परंपरा है, सारे आ जाते हैं और खाने लग गए सारे। अब बड़ा बेइज्जती वाला सवाल, पहली बार वैसे हो रहा, बहू भी नई आई हुई। तो उसने क्या करा, देखा जबकि हाँ आन लग गए, फंस गई, उन्हें दड़ाम गिर गई, चक्कर काट के गिर गई, सारे भाग के उठाई, देखे बहू के क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। समैये वो तो तैयार ही थे ना, भगत और समैये, उन्होंने कहा कि इसका तो ना माता, और उसने और थोड़ा जोर कर सिर हिलाना शुरू करा, मैं आ माता। और वो बोली, जय तो पतिले में पानी अनेक कुड़बार गाड़ी। अब अपना जो भगत था उसने अपना तो और काम ही यही था, लग गया इशारा कर समैया कर, या समैया ढूंढू न हो गए शुरू बजान अपने सारे पैरों में, उसके बहू के समैया के भगता के, भाई नई नई बहू आई प्याली कुंवारी, अभी तो ब्याह होया, पहली बार आई बहू जेठी, अरिया के हुई अपने सारे, कभी उसके पैरों में कभी उसके पैरों में। तो उन्हें क्या करा, जब उसने देखा कि हाँ ठीक माहौल बन गया बहू ने, तो अपने वो बोली कि मने गया चाहे तो कुड़ुम्बा गाड़ी आनी पतीले में पानी। तो उसकी सासू बोली, ससुर बोला, जेठ बोला, नहीं कहे बेटी ना ए माता इन्हें छोड़ दे तो पतीले में पानी कर दे। तो बोले नहीं नहीं कुड़ुम्बा गाड़ी, नहीं नहीं पतीले में पानी कर दे। तो बोले ठीक है छोड़ दिया, थोड़ी सी देर में वो बहू ठीक हो, और भाग के देखे सारे चूल्हे के आगे पतीली चूल्हे पे रखी थी, देखा चूल्हे की पतीली में पानी पानी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सामाजिक जो चीज़ें हैं हमारी, इन्होंने सिखाया है हमें बहुत कुछ, अगर हम सीखना चाहते हैं इससे, इसमें कई तरह की बातें हैं। एक, जिस तरीके से हम अंधविश्वास की तरह बढ़ते हैं उसकी खास वजह है, और वो वजह साइकोलॉजी के साथ साथ सोसाइटी की हमारी एग्जिस्ट करती है प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स की वजह से हम एक खास अंधविश्वास की तरफ धकेलते चले जाते हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था, अगर मैं उन्हीं के शब्दों को उधार लूं, कि जब भी अगर समाज की प्रगति का आंकलन करना हो तो मैं महिलाओं की प्रगति से, भाई बात जब बंद कर ले मेरी ठीक ठाक सी आवाज है, इतनी भी खराब को नहीं, जब भी महिलाओं की प्रगति की आंकलन अगर आपको करना है तो समाज में रहने वाली हमारी महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या ओढ़ती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, क्या शिक्षा देती है, बच्चों को नागरिक बनाने का जो एक काम
जो एक हमारी महिलाओं की जिम्मेदारी है, जो हमारी माताओं बहनों की जिम्मेदारी है, उससे मैं आंकता हूँ समाज कितना प्रगतिशील है। और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं कि हमारी माताओं के आधार पर ही ये समाज समाज कहलाता है, ये परिवार परिवार इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें एक स्त्री मौजूद है। अगर उसमें स्त्री मौजूद नहीं होती तो भारत का संविधान और उसके साथ साथ जो हिंदू कोड बिल, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल देने के ऊपर अड़े रहे और कानून मंत्री से इस्तीफा भी उन्होंने देना पड़ा, वो महिलाओं की वजह से ही था। सावित्री बाई फूले जी ने जब कहा और ज्योतिबा फूले जी ने जब सावित्री बाई फूले जी को कहा कि अगर मैं पढ़ाता हूँ, अगर मैं शिक्षित करता हूँ मेरे समाज को या बहुजन समाज को, तो मेरा एक समाज शिक्षित होगा, लेकिन अगर सावित्री बाई फूले खुद शिक्षिका बनकर इन महिलाओं की शिक्षिका को शिक्षिका बनकर महिलाओं को शिक्षा देगी तो न सिर्फ एक पीढ़ी को देगी बल्कि तीन पीढ़ियों तक देगी। इसलिए मेरा अपना बहुजन समाज जो है वो आज भी महिला शिक्षा पर बात नहीं करता, उनकी जिम्मेदारियों को समझते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। और उसको आगे बढ़ने का मौका तभी मिलेगा जब हमारा पुरुष प्रधान समाज की सोच को छोड़कर एक संवेदनशील नागरिक होने के अधिकार को देखें। आप स्त्री को अभी ये भाई संचालन